गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. गुड आफ्टरनून. यस, होप यू ऑल आर फाइन. यस यस सर. ओके, टेल मी टुडे इज डे इन डे. टुडे इज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी ईयर 2022. टुडे फ्राइडे. यस, वी हैव हिंदी सब्जेक्ट. यस ओके, टेक आउट योर हिंदी टेक्स्ट बुक. वी आर विच लेसन कूल कप्तान. यस नो, यस वी कंप्लीटेड शब्दार्थ और नया शब्द. वी कंप्लीटेड नो. Yes. Then next we have question answer. Yes. Take out page number 110. Okay. लिखित अभ्यास. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो. First question. मिताली के माता पिता ने क्या क्या बलिदान किया. See only answer only. I have written on the board. Okay. You should write. Take out your Hindi notebook. Okay. Then copy the question. Then answer is copy on the board. Understood? Yes. Then because it is big answer, you can't able to write here. Okay. Take out your Hindi notebook and complete it. Understood, children? Yes. First question. मिथा के माता पिता ने क्या क्या बलिदान किया. Answer. मिताली के प्रोत्साहित करने के लिए माता पिता ने अनेक बलिदान किया. पिता ने अपने खर्च में कटौती कर दी. क्रिकेट के अभ्यास के बाद थक कर आई मिताली की देखभाल के लिए माँ ने अपनी नौकरी छोड़ दी. यह आंसर. मिताली के प्रोत्साहित करने के लिए माता पिता ने अनेक बलिदान किया. पिता ने अपने खर्च में कटौती कर दी. क्रिकेट के अभ्यास के बाद थक कर आई मिताली की देखभाल के लिए माँ ने अपनी नौकरी छोड़ दी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिताली के क्रिकेट का सफर कब और कहाँ शुरू हुआ. एक दिन मिताली के भाई की क्रिकेट कोचिंग चल रही थी. तब मिताली ने भी खेल में गेंद को घुमा दिया. यह देखकर क्रिकेटर ज्योति प्रसाद ने अपने उनके पिता से कहा, यह क्रिकेट की अच्छी खिलाड़ी बनेगी. इसने कहा क्रिकेटर ज्योति प्रसाद. यानी एक दिन मिताली के भाई की क्रिकेट कोचिंग चल रही थी. तब मिताली ने बी के गेंद को घुमा दिया. यह देखकर क्रिकेटर ज्योति प्रसाद ने उनके पिता से कहा, यह क्रिकेट की अच्छी खिलाड़ी बनेगी. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. मिताली की रुचि किसमें थी और वह क्या बनाना चाहती थी. क्या है मिताली की रुचि. बचपन से ही भरतनाट्यम में रहती. मिताली ने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण प्राप्त करके मंच पर अनेक सफल कार्यक्रम भी दिया. क्या है आंसर. उत्तर. मिताली की रुचि बचपन से ही भरतनाट्यम में रही. मिताली ने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण प्राप्त करके मंच पर अनेक सफल कार्यक्रम दिए. मिताली को कूल कप्तान क्या क्यों कहा जाता है. मिताली अपने सभी निर्णय शांति से लेती है, इसलिए वे कूल कप्तान के नाम से प्रसिद्ध है. मिताली अपने सभी निर्णय शांति से लेती है, इसलिए वे कूल कप्तान के नाम से प्रसिद्ध है. लास्ट क्वेश्चन क्या है. मिताली मैदान में खेलने जाने में पहले क्या करती है और क्यों. फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीट करना. फर्स्ट क्वेश्चन. Thank you.
मिताली मिताली मैधान ने खेलने जाने से खेलने जाने से पहले पुस्तक पढ़ती है। उनका मिताली मैथान ने खेलने जाने से पहले पुस्तक पढ़ती है। उनका मानना है कि इससे मन शांत रहता है। इस फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट से अन्य महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम लिखो। महिला खिलाड़ियों के नाम क्रिकेट महिला खिलाड़ियों का नाम वुमेन्स क्रिकेट है। सुदाम शाह यू कैन राइट इन टेक्स्ट बुक ओके सुदाम शाह राजेश्वरी डॉल्फिया वृंदा भगत आदि मीन्स एक्सेट्रा सुधा शाह राजेश्वरी डोलकिया वृंदा भगत